राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही खास टॉपिक, एनपीके 0050 का स्प्रे गेहूं की बालियां निकलने से पहले करें या फिर बालियां निकलने के बात करें। पहले देने के हमें क्या फ़ायदे होंगे और बाद में देने के हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें आपको ये और बताऊँगा कि आपको ये स्प्रे सिंचाई करने से पहले देना है या फिर सिंचाई देने के बाद करना है। लगातार कम से कम मेरे पास 8 से 10 कमेंट पानी से पहले और पानी के बाद वाले और बाली निकलने से पहले और बाली से निकलने के बाद वाले आ चुके हैं। लगभग 20 से 22 कमेंट मेरे पास ये हैं, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह पिछली वीडियो से 2 से 3 कमेंट लेना चाहूँगा और आपको उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तो किसान भाई, पहला जो कमेंट है ये है गुरजंत सिंह जी का, ये कह रहे हैं तीनों का अलग अलग घोल बनाना है या फिर एक साथ इकट्ठा करके इनका स्प्रे करना है। जो मैंने अभी आपको वीडियो बनाई थी लास्ट वीडियो, जिसमें बताया था कि चूना, बोरोन और एनपीके 0050 का स्प्रे करना है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो गुरजंत सिंह जी, आपको इन तीनों का घोल अलग अलग बर्तन में बनाना है और जब आप इनका उपयोग करेंगे तो आप एक ही टंकी में इनका उपयोग कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगला जो हमारे पास कमेंट आया है, अगला कमेंट हमारे पास आया है एन रहीम खान जी का, ये कह रहे हैं सर अगर बालियाँ निकल रही हैं और तब इसका उपयोग कर सकते हैं क्या? तो एन रहीम खान जी, मैं इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगला जो हमारे पास कमेंट है किसान भाइयों, यह है विपिन ठाकुर जी, ये कहना है सर 2851 हमारी गेहूं है, इसका दाना काला पड़ जाता है, तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गेहूँ की फसल के अंदर बालियाँ निकलने से पहले स्प्रे करें एनपीके 0050 का या फिर बाद में करें, और सिंचाई करने से पहले करें या फिर सिंचाई करने के बात करें। तो किसान भाइयों, एनपीके 0050 जो है इसके अंदर पोटास पाई जाती है, सिर्फ पोटास। इसका जो उपयोग है हमारी गेहूं की जो बालियाँ होती हैं इनके भराव के समय इसका अच्छा रोल रहता है, यानी कि अगर यदि हम इसका उपयोग अपनी गेहूँ की फसल पर बालियों के समय पर करते हैं तो हमारी जो बालियाँ होती हैं इनका जो मोटापन हो जाता है ये ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी बालियाँ लंबी मोटी हो जाती हैं। और जो एक दिक्कत हमारी फसल के अंदर आती है, जैसे दाना हमारा कुछ गेहूं का दाना लाल पड़ता है, कुछ का दाना काला पड़ जाता है, गेहूं के दाने जो है पिचक जाते हैं, सूख जाते हैं, बहुत सारी जो दिक्कतें आती हैं ये सभी दिक्कतें हमारी पोटास की कमी के कारण भी आती हैं। तो किसान भाई, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आपको पोटास का उपयोग करना है। अब बात करते हैं सिंचाई से पहले करना है या सिंचाई के बाद करना है। तो किसान भाइयों, जब भी आप अपने खेत की सिंचाई करें, सिंचाई करने के बाद ही आपको इसका स्प्रे करना है, क्योंकि सिंचाई करने से पहले यदि आप इसका स्प्रे करते हैं और आप सिंचाई 2 से 4 दिन लेट कर देते हैं तो इसका उल्टा असर भी आपको देखना पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी इसका उपयोग करें, सिंचाई करने के 3 से 4 दिन बाद ही इसका उपयोग करें, जो एक अच्छा तरीका है। दूसरा, किसान भाइयों की बालियां निकलने से पहले करें या बालियां निकलने के बाद करें। यदि आप बालियां निकलने से पहले इसका उपयोग कर लेते हैं, यानी कि मान लीजिए 10 से 15% 20% तक आपकी बालियां निकली हैं, उस समय पर यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो वो बेस्ट है आपके लिए। सबसे अच्छा जो फायदा आपको मिलेगा वो बालियाँ निकलने से 10 से 20% तक ही मिलेगा। यदि आप इसका उपयोग बालियाँ निकलने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन पहले के मुकाबले यहां पर रिजल्ट जो है 50% ही आपको मिल पाएगा। बालियां निकलने के बाद यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको फायदा तो मिलेगा, लेकिन उतना फायदा आपको नहीं मिल पाएगा जो कि बालियां निकलने से पहले के मुकाबले होना चाहिए। तो किसान भाई, बात कर लेते हैं कि इसकी हमें कितनी मात्रा लेनी है। तो बालियां निकलने के बाद आपको इसकी मात्रा लगभग 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और यदि बालियां निकलने से पहले की बात करें तो आपको लगभग 800 से 900 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। पहले ज़्यादा है, बाद में कम है, ऐसा क्यों है, इसलिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि बाद में आपकी बालियां पूरी तैयार हो जाती हैं, पूरी बालियां फूल जाती हैं, उन पर हल्का सा स्प्रे होने से भी ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, ये आज की वीडियो में पूरी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की। यदि इससे संबंधित आपके कुछ और सवाल हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सही और एक अच्छी जानकारी देने की। किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।